इस व्हाट्सअप एवरीबडी, माय नेम इज सूर्यकांत कुरे, आप देख रहे हैं आज करटिंग योर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लाउड फोटो एडिटिंग, इंस्टाग्राम वायरल क्लाउड फोटो एडिटिंग। तो सिंपल स्टेप के अंदर ये वाली फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वीडियो पूरा देखेगा इसके बिल्कुल मत करेगा। और जो भी हमारे चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास बटन को प्रेस कर देना। और जो भी हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यार, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। और जो भी राउंड पिंजी का यूज़ करूँगा उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना यार। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ से पिक्सआर्ट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद यहाँ से ऑल फोटोस एंड यहाँ से फुल HD बैकग्राउंड दे दूंगा ये वाली। एंड यहाँ से मैं रिमूव कर चुका हूँ बैकग्राउंड, मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव कर चुका हूँ। अगर रिमूव करने नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना कैसे रिमूव करते हैं। कुछ इस टाइप से कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे जाना है। फिर से यहाँ से मैं एक PNG दे दूंगा वाली सेट वाली PNG, कुछ स्टेप से ऐड कर लेना इसको एंड यहाँ से कुछ स्टेप से लगा लेना एंड यहाँ से ओपेसिटी कम कर लेना, कुछ स्टेप से 40 कर लेना ओपेसिटी को एंड यहाँ से डन कर लेना। एंड यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे एंड यहाँ से क्लाउड की PNGs दे दूंगा कुछ स्टेप से एंड यहाँ से अली PNG को कुछ स्टेप से लगा लेना है। एंड यहाँ से इसको कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग जमा लेना थोड़ा सा। कुछ इस टाइप से कर लेना है एंड यहाँ से कर लेना डन एंड डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे एंड यहाँ से फिर PNGs ले लेना है इस बार कुछ इस टाइप से साइड पहले कर लेना है एंड यहाँ से इसको यहाँ से कुछ इस टाइप से कर लेना है क्लाउड पे एंड यहाँ से यानी PNG को सेट कर लेंगे पहले, यानी PNG को भी सेट कर लेना है। यानी PNG पे आएंगे एंड यहाँ से टेस्ट टूल पे जाएंगे एंड यहाँ से इरेज पे आएंगे, हार्डनेस कम कर देना, साइज बढ़ा लेना एंड यहाँ से कुछ स्टेप से कर लेना है एंड यहाँ से कुछ स्टेप से कर लेना है बड़ा करके एंड यहाँ से देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कुछ स्टेप से करने के बाद यहाँ से कर लेना डन एंड फिर से क्लाउड की PNGs ले लेना है एंड कुछ स्टेप से कर लेना है इस बार, यानी PNG को साइड पे कर लेना है एंड यहाँ से अली PNG को कुछ इस टाइप से साइड पे कर लेना है एंड यहाँ से डन कर लेना है। तो हमारे सब PNGs सेट हो चुके हैं तो यहाँ से डन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं फोटो को HD क्वालिटी में। एंड यहाँ से लाइटरूम ओपन करने के बाद ऐड कर लेंगे फोटो को एंड यहाँ पे जाना ऑटो कर लेना एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेना, हाइलाइट्स देख लेना एंड यहाँ से शैडो को 100 कर लेना पूरा एंड वाइट्स भी बढ़ा देना थोड़ा सा
एंड यहाँ पे जाना, मिक्स पे जाना, ऑरेंज की सेचुरेशन कम एंड लुमिनस बढ़ा लेना है, एंड ब्लू पे आना, ब्लू की सेचुरेशन बढ़ा लेना एंड ह्यू को देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो सेचुरेशन 100 कर दूंगा, ह्यू को थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ से सेचुरेशन इसकी भी देख लेते, थोड़ा सा इसकी सेचुरेशन 30 कर लेना है एंड ह्यू को देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो ह्यू में थोड़ा सा स्टेप से कर लूँगा 2 माइनस एंड यहाँ से डन कर लूँगा एंड यहाँ से फिर सेट फॉर सॉरी यहाँ से क्लियरिटी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो क्लियरिटी को मैं 30 कर लूँगा कुछ स्टेप्स हैं एंड यहाँ से वीनेट को 10 कर लूँगा एंड यहाँ पे जाऊँगा फिर से शार्पनेस को बढ़ा लेना फ़ोटो की 30 कर लेना एंड डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग कर लेना फ़ोटो की। तो देख सकते कितनी मस्त फोटो बन चुकी है। पिक्सआर्ट के अंदर कुछ ऐसी थी एंड लाइटरूम के अंदर कुछ ऐसी है। तो सेव कर लेते फोटो को एचडी क्वालिटी में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास बटन को प्रेस कर देना और वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।